Afternoon all of you and welcome in Pandey Coaching Center's live YouTube channel. So आज जैसा कि संडे है और एवरी संडे जैसे कि पांडे कोचिंग सेंटर में एक लाइव करियर सेशन प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स के लिए और भी पर्संस के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड. सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे और हमारी इस लाइव करियर सेशन पे. आज के जो करियर काउंसलिंग का सेशन का जो टॉपिक आप सबके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो सेशन है कि इस धरती पे ह्यूमन बीइंग्स की कितनी कैटेगरीज हैं. जो ह्यूमन बीइंग है, हम सभी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. मेरा ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का कि देर आर टू कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी. ए कैटेगरी जो है इस कैटेगरी को मैं बोल सकता हूँ क्लासेस की कैटेगरी, और बी कैटेगरी जो है इसको मैं बोल सकता हूँ मासेस की कैटेगरी. ये क्लासेस एंड मासेस कैटेगरी में मैंने क्यों डिवाइड किया इनको, बिकॉज क्लासेस मतलब इनकी जो परसेंटेज है वो 5 से 10% लोग हैं और ये 95 से 100% लोग ऐसे जो मासेस की कैटेगरी में आप उनको काउंट कर सकते हैं. ये मासेस कैटेगरी के लोग और ये क्लासेस कैटेगरी को आप एक और तरीके से सीख सकते हैं. दीज पर्सन आर कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन एंड दीज पर्सन आर कॉल्ड फेलियर. अब देखिए, मैंने इनको क्यों क्लासेस और मासेस में रखा, बिकॉज आपको पता है कि जो सक्सेसफुल पर्सन लोग हैं वो बहुत लिमिटेड है हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में, हमारे आसपास, हमारे नोन अननोन हर जगह पे सक्सेसफुल पर्सन लोग आपको बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, जबकि फेलियर्स की क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है. आप एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि इस धरती पे अगर मैं अकॉर्डिंग टू, वैसे सक्सेस को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी से भी, बट अगर आप आज की डेट में सक्सेस को जैसे हमारी सोसाइटी में मनी से कंपेयर किया जाता है, अगर आप देखें तो ये 5 से 10% लोग 95% मनी अर्न करते हैं और ये 95% लोग इन 5 से 10% लोगों के लिए वर्क करते हैं. थोड़ा समझिएगा क्या बोला मैंने, कि ये 5 से 10% लोग इस धरती का 95 से 100% पैसा ये अर्न करते हैं 5 से 10% लोग, और ये 95 से 100% लोग जो मासेस कैटेगरी के हैं ये इन 5 से 10% लोगों के लिए वर्क करते हैं. सो आज मैं आप सभी को इस गाइडलाइन सेशन के जरिए बताने जा रहा हूँ कि ये जो सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी यानी जो ए कैटेगरी है क्लासेस की कैटेगरी, ये इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये इस बी कैटेगरी से एकदम टोटली डिफरेंस है, और ये फेलियर कैटेगरी और ये सक्सेसफुल कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, ऐसा ये क्या काम करते हैं, ऐसा इनके पास क्या चीज़ होती है इन 5 से 10% क्लासेस कैटेगरी के लोगों के पास कि ये अपनी लाइफ में सफल होते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं, अपने सारे ड्रीम्स, अपने सारे गोल्स, टारगेट्स सब कुछ अचीव करते हैं, अपने एक अच्छा करियर बिल्ड करते हैं, यू नो, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस गेट करते हैं, और ऐसा इनके पास क्या नहीं होता या ऐसा ये कैटेगरी के लोग क्या नहीं करते मास्टर्स कैटेगरी के लोग. सो ये क्लासेस कैटेगरी के लोगों के पास क्या क्वालिटी है. नंबर फर्स्ट, इनके पास एक अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पर्पज होता है. ये किसी भी वर्क को करते हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा अल्टीमेट गोल होता है इनकी लाइफ का. इनकी लाइफ में एक स्पेसिफिक, आप जिसे बोल सकते हैं, एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है, एक पर्पज होता है. और सेम दैट यहाँ पे मासेस कैटेगरी के जो यानी फेलियर कैटेगरी में जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, उनकी लाइफ का कोई पर्पज नहीं होता, उनकी लाइफ में अपना कोई स्पेसिफिक, नो स्पेसिफिक गोल, कोई भी स्पेसिफिक गोल, कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, कोई भी, आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी लाइफ का कोई अपना लक्ष्य नहीं होता है. और आपको ये भी पता है कि एक लक्ष्य विहीन मनुष्य एक जानवर के समान इस धरती पर रहता है. उसके अलावा, पर्पज के अलावा, जो ये क्लासेस कैटेगरी के लोग यानी जो ये सक्सेसफुल पर्सन यानी जो सफल कैटेगरी के लोग हैं, इनकी लाइफ में एक और चीज़ होती है कि ये अपनी लाइफ में लर्निंग पे फोकस करते हैं. ये रेगुलर बेस में, कंटिन्यूसली बेस में अपनी लर्निंग पे फोकस करते हैं, है ना. ये कुछ ना कुछ हर दिन नया नया लर्निंग करते हैं. ये एक्शन पे बिलीव करते हैं, ये प्लान के साथ साथ अपने एक्शन पे वर्क करते हैं, है ना, अपने इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं. एंड एक चीज आपको पता है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. इनकी सोच अलग होती है, ये काम कुछ अलग नहीं करते हैं.
सक्सेसफुल पर्सन भी कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बहुत ये दोनों कैटेगरी के लोग, सफल और असफल कैटेगरी के लोग एक जैसा काम करते हैं। फर्क क्या होता है इनकी सोच का, इनका इनका जो माइंडसेट है, इनका अपना जो एक थॉट प्रोसेस है वो टोटली चेंज होता है। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, और वहीं अगर हम बात करें फेलियर कैटेगरी के या मासेस कैटेगरी के लोग, या जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं गेट कर पाते हैं, इनके पास पहली बात तो कोई माइंडसेट ही नहीं होता। अगर इनके पास माइंडसेट होता भी है तो वो नेगेटिव माइंडसेट होता है। इनके लाइफ में कोई नो इंटरेस्ट, ये अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं करते, दूसरे के इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं, राइट। ये इनके पास प्लान्स होते हैं, इनके पास मोर प्लान्स होते हैं, ये प्लान मेकर्स होते हैं, ये प्लान्स बनाते हैं, एक्शन पे बिलीव नहीं करते हैं, ये सोचते रहते हैं बट एक्शन कुछ भी नहीं करते हैं, राइट। ये कॉपियर होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये क्रिएटर होते हैं, ये कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं, ये कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, ये एक्शन पे बिलीव करते हैं, वो प्लान पे बिलीव करते हैं, राइट। ये होपफुल होते हैं, इनके अंदर होप होती है, और ये होपलेस होते हैं, इनके अंदर कोई होप नहीं होती है, राइट। उसके अलावा ये लोग हेल्पफुल होते हैं, ये दूसरे को हेल्प करते हैं, आप ये भी बोल सकते हो। ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, यानी ये कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम मेकर होते हैं, यानी ये नए नए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनको पता है कि नई प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो सकती है, और हेल्पफुल की जगह पे ये हेल्पलेस होते हैं, क्योंकि खुद की लाइफ में अगर हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, या कुछ बड़ा करियर बिल्ड नहीं कर पाते हैं, या हमारे पास खुद के पास कुछ नॉलेज नहीं है, सो हम दूसरे को भी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते, सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट हम किसी दूसरे को हेल्प करें। इनकी लाइफ से आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है, जबकि इनकी लाइफ से आपको सैडनेस मिलती है, डिस्करेजमेंट मिलता है आपको लाइफ में, आपको यू नो बुरा फील होता है। इनसे आप जब मिलते हैं तो आपको एनर्जेटिक फील होता है, इनसे आप मिलते हैं तो आपको डिमोटिवेशन फील होता है। ये पर्सन से आप पर्सनली मिलेंगे तो ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, एवरीथिंग सब चीज़ को लेकर, और ये लोग अपनी लाइफ को लेकर कोई भी इनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता है, ये अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं और ये अपनी लाइफ को काट रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे और भी डिफरेंस हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं। आप सभी लोगों को भी पता होंगे कि सफल और असफल लोगों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम सभी के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यही दो कैटेगरी के। एक कैटेगरी ऐसी होती है जो हमारे सफल लोगों की कैटेगरी होती है, जिनको हम किसी न किसी तरह से सफल बोल सकते हैं, सक्सेसफुल पर्सन बोल सकते हैं, और एक ऐसी कैटेगरी होती है जो फेलियर कैटेगरी होती है। सो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप भी बताएं कि और क्या क्वालिटीज, और क्या ऐसी क्वालिटीज होती हैं इन दो कैटेगरी के लोगों में, यानी क्लासेस और मासेस कैटेगरी के लोगों में, जिसकी वजह से क्लासेस कैटेगरी के लोग अपनी लाइफ में सफलता हासिल करते हैं, सफल होते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह लाइफ स्पेंड करते हैं, और अपने जो भी करियर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करते हैं, और इनकी लाइफ में हैप्पीनेस होती है। और क्यों एक कैटेगरी ऐसी होती है हमारे आसपास, हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में, जिनकी लाइफ में फेलियर होता है, जो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, और जिनकी लाइफ में बहुत सैडनेस होती है, यानी उदासी होती है। तो क्या इसके पीछे और क्या क्वालिटी जो आपको पता है, आप जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी मेरी इस वीडियो को देखें, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन दो कैटेगरी के लोगों के पास क्या क्वालिटीज हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको ये क्यों गाइड कर रहा हूँ, मैं आज आपको ये क्वालिटीज इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ दोनों के बारे में, दैट कि आपने अपने आप से पूछना है, आपने अपने आप को अब देखना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर इफ़ यू बिलोंग टू अ क्लासेस कैटेगरी, उसके लिए आपको उन क्वालिटीज़ को फॉलो करना है, और अगर इफ़ यू बिलोंग टू मासेस कैटेगरी, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ये कैटेगरी, ये क्वालिटीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपका करियर का ऑब्जेक्टिव है, जो कुछ भी आपके लाइफ का टारगेट, उसको अचीव करना, या आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह इस लाइफ में स्पेंड करना चाहते हैं, आपको भी अपने आप को इस मासेस कैटेगरी से इस क्लासेस कैटेगरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है। अभी कई स्टूडेंट्स या कई जो व्यूवर्स हैं वो कहेंगे, सर हम तो अभी मासेस कैटेगरी में अपने आप को लेते हैं। सो वहाँ पे आपको कोई उदास होने का जरूरी नहीं है, आपको टेंस होने का जरूरत नहीं है, आप अपने आप को मासेस से क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट अपनी क्वालिटीज़ को चेंज करके, जस्ट उन हैबिट्स को चेंज करके, ऐसे न्यू प्रोडक्टिव वर्क करके, जो प्रोडक्टिव वर्क एक
सक्सेसफुल पर्सन ऑलरेडी करता है, अगर उसी तरह की क्वालिटीज को आप भी अडॉप्ट करते हैं, आप भी उनको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल्सो. फाइनली आप सभी व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी इस यूट्यूब चैनल पर जो गाइडलाइंस वीडियोज हैं वो कैसे लगती हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, मैक्सिमम लोगों तक आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें. अच्छी लगती है लाइक करें, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं. मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा. सो थैंक यू.